मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव की नीली डायरी से उसके सीक्रेट फंड का खुलासा हो गया है। पुलिस को जवाहर बाग से एक जली हुई डायरी मिली है, जिससे राम वृक्ष की पाई पाई का हिसाब सामने आ गया है। देखिए एक रिपोर्ट। मथुरा के मास्टरमाइंड को आर्थिक मदद कौन दे रहा था? हिंसा के बाद से ही ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर कौन है वो जिसने पिछले 2 सालों से रामवृक्ष की आजाद भारत विचारक क्रांति सत्याग्रही सेना को सहायता दी हुई थी। रामवृक्ष को मिलने वाले सीक्रेट फंड का खुलासा अब हो गया है। दरअसल पुलिस को रामवृक्ष यादव की जली हुई नीली डायरी मिली है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डायरी से खुलासा हुआ है कि रामवृक्ष की सेना को बड़े पैमाने पर नक्सली समूहों से मदद मुहैया कराई जा रही थी। रामवृक्ष की जड़ें उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों तक फैली हुई थी। डायरी में बताया गया है कि रामवृक्ष को उड़ीसा से हर महीने 22 लाख रुपए दान में मिलते थे, जबकि बनारस से 10 लाख, कन्नौज से 7 लाख, उन्नाव से 8 लाख का फंड मिलता था। इतना ही नहीं, इस डायरी में अलग अलग तारीखों की अलग अलग एंट्री है, जिसमें उसके खर्चों के पाई पाई का हिसाब है। 5 मई 2014 की एंट्री की बात की जाए तो जवाहर बाग के रखरखाव पर 32 लाख रुपए का खर्च हुआ था। यहाँ रहने वाले समर्थकों के टेंट की मरम्मत पर 22,500 रुपए का खर्च दिखाया गया है। पार्क में पानी की व्यवस्था के लिए 36,000 का खर्च दिखाया गया है। अपने ऊपर चल रहे केस के एवज में भी इस संस्था ने वकील दिल्ली वाले के नाम एक शख्स को 84,000, 25,000, 7,000 और 4,000 का भुगतान किया। वकील से मिलने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी का किराया 5,000 रुपए दिखाया गया है। वही जुलाई 2014 की एंट्री में जवाहर बाग के रखरखाव पर 47 लाख का खर्च दिखाया गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, कानपुर, दिल्ली के लिए टैक्सी का खर्च 75,000 दिखाया गया है। CFL बल्ब, जनरेटर के डीजर के लिए भी बड़ी रकम का खर्च दिखाया गया है। तो ये तो आधी जली हुई डायरी का सच है जो सामने आया है। फिलहाल पुलिस डायरी को और खंगालने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि नीली डायरी और भी कई राज खोल सकती है। वाकई इस डायरी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम वृक्ष ने सरकार के समानांतर ही अपना एक अलग साम्राज्य बसाया हुआ था। इस डायरी ने कहीं ना कहीं सरकारी अमले पर भी सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से राम वृक्ष ने कई प्रदेशों में अपनी जड़ें जमा रखी थी और यूपी सरकार को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। देखते रहिए डीबी लाइव।